तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली मी वाई 12 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है Redmi Note 7 Pro के लिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग के पास Redmi Note 7 Pro का डिवाइस है और यहाँ पर आपको मी वाई 12 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला था, तो यहाँ पर फाइनली आप लोग के लिए फिर से ये अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। अब ये अपडेट सभी यूज़र के लिए है या फिर कुछ रेंडम यूज़र के लिए, सभी यूज़र को कब तक देखने के लिए मिल जाएगा, कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हो, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, मैंने कुछ ही दिन पहले ही आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि आपको 10 अक्टूबर से पहले काफी सारे यूजर को अपडेट देखने के लिए मिल सकता है MIUI 12 का Redmi Note 7 Pro के लिए भी। तो फाइनली दोस्तों आपको इसी डेट पर कुछ यूजर को अपडेट जरूर देखने के लिए मिला है। यहाँ पर इसकी जो साइज है वो आपको 722 MB की देखने के लिए मिलेगी और इसका जो बिल्ड नंबर है MIUI 12.0.1.0 है। Redmi Note 7 Pro के लिए अपडेट रोल आउट किया गया है। यहाँ पर आप लोग बोलते हैं ये अपडेट सभी यूजर को एक साथ देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये अपडेट हमेशा से, मैं आपको यही बोलता है कि अपडेट हमेशा बैचेस में रोल आउट किए जाते हैं, यानी कि कुछ परसेंटेज यूजर को अपडेट दिया जाता है, फिर से कुछ आने वाले टाइम पे फिर कुछ परसेंटेज यूजर को अपडेट दिया जाएगा। तो यानी कि जो अपडेट रोल आउट किया गया अभी भी कुछ रेंडम यूजर को देखने के लिए मिलता है, सभी यूजर को नहीं मिलता है। तो अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाकर चेक किया है और अपडेट आया है तो यार बिना देरी किए इसको अपडेट कर लेना और डाउनलोड करके अपडेट कर लेना, उसको रोक मत देना, मतलब डिले मत कर लेना, वरना ये अपडेट गायब हो जाएगा। और काफ़ी लोगों के दोस्तों यहाँ पर ये इशू आया है, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि दोस्तों ये अपडेट रोल बैक कर लिया गया है दोबारा। तो यहाँ पर जिनको अपडेट मिल गया काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जिनको अपडेट नहीं मिला तो वो लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए MIUI 12 का अपडेट है फिर से रोल आउट होना स्टार्ट होगा, फिर से कुछ दिनों बाद आप लोग को ये अपडेट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग मैनुअली अपडेट चाहते हो तो आप, मैं कोशिश करता हूं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देने को, आप लोग वहां से डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हो। बाकी आप लोग OTA के थ्रू अपडेट करना चाहते हो तो इसके लिए और थोड़ा सा वेट करिए, जब ऑफिशियली फिर से रिलीज किया जाएगा तो यहां पर मैं आपको जरूर बता दूंगा, आप वहां पर से जाके अपडेट कर लेना। अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बता दूंगा, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और दोस्तों चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यार कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता आपको सब्सक्राइब करने के लिए। जब भी इसकी कोई अपडेट की वीडियो आएगी या फिर कोई भी डिटेल आएगी तो उसकी जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।